कलरफुल ब्यूटीफुल और डिलीशियस गुलाब जामुन स्वीस रोल केक, बिना अंडा बिना ओवन रोल किया हुआ स्पंज, वो भी बिना ब्रेक हुए, साथ में ही मेल्ट इन माउथ चॉकलेट मूज क्रीम और रसीले गुलाब जामुन। त्योहारों में या स्पेशल ओकेजन में इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा। स्वीस रोल केक की कुछ रेसिपी शायद आपने देखी होगी, बट मोस्टली ये रेसिपीज अंडे से बनी होती है। एगलेस रोल केक की रेसिपी आपको इजीली नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो भी रोल करते समय इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, बहुत बार केक ब्रेक होने लगता है। तो अगर आपने स्वीस रोल केक कभी ट्राई नहीं किया हो या फिर ट्राई करके बहुत बार फेल हुआ हो, तो भी आप इस रेसिपी को बिना दिक्कत बना सकते हो। ट्राइड एंड टेस्टेड गारंटेड रेसिपी है ये। अगर आप रेसिपी को इस वीडियो में बताए हुए मेजरमेंट्स और टिप्स के साथ फॉलो करो ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप ऐसा परफेक्ट रोल केक बना सकते हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी में थोड़ी सी उल्टी चीजें करनी है, मतलब केक बनाने से पहले हम इसके लिए चॉकलेट मूज बनाएंगे। क्योंकि ये रेसिपी काफी टाइम सेंसिटिव है, इसलिए सारी तैयारी पहले से करके रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले एक छोटे से पैन में हम डालेंगे 50 ग्राम व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट, साथ में ही 3 बड़े चम्मच व्हिपिंग क्रीम भी डाल देना। व्हिपिंग क्रीम के बदले आप चाहो तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, इसे थोड़ा सा मिलाकर अब बिल्कुल लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए इसे हम गर्म करेंगे। ये चीज आप डबल बॉयलर पर भी कर सकते हो, पर इसे पैन में करना ज्यादा इजी रहेगा। जब चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और क्रीम के साथ अच्छे से मिल जाए, तो हम क्या करेंगे ना, इसे एक बाउल में निकाल कर इस डिलीशियस चॉकलेट गनाश को थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने देंगे। अब रोल केक बनाने के लिए हमें केक स्पंज की शीट बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये 6x8 इंच का रेक्टेंगल टिन लिया है। इस केक के लिए ये साइज परफेक्ट है। ठीक है, अच्छे से तेल लगाना इसे, और अब तले में एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर रख देना। ये देखिए, टिन की साइज से थोड़ा सा बड़ा बटर पेपर लिया है मैंने, ताकि हर साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा पेपर लग जाए और बाद में हम केक को इजीली डीमोल्ड कर पाए। चलिए, अब इन सारी चीज़ों को रेडी करने के बाद एक बाउल में आधा कप या इससे थोड़ी सी कम व्हिपिंग क्रीम डाल देना। इस केक के लिए क्रीम ज़्यादा नहीं लगती। अब हमेशा की तरह हम व्हिपिंग क्रीम को पहले 1 मिनट लो स्पीड पर व्हिप करेंगे, फिर व्हिपिंग का स्पीड बढ़ाकर हाई स्पीड पर इसे तब तक बीट करेंगे जब तक ये अच्छे से स्टिफ ना हो जाए। ये देखिए, बस 4 से 5 मिनट में क्रीम बहुत बढ़िया से स्टिफ हुई है। इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी रेसिपी में यूज कर सकते हो, पर गुलाब जामुन केक के साथ मूज बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये चॉकलेट गनाश काफी अच्छे से सेट हुआ है, तो इसमें से थोड़ा सा, मतलब 1-2 चम्मच गनाश हम इस क्रीम में डाल देंगे और क्रीम के साथ अच्छे से मिला देंगे इसे। इससे क्रीम की टेस्ट तो बढ़िया लगेगी ही, बट साथ में ही इसका टेक्सचर भी एकदम स्मूथ, मेल्ट इन माउथ और क्रीमी क्रीमी लगेगा। अब इसे साइड में रखकर शीट केक की रेसिपी देख लेते हैं। तो ये हाफ कप, मतलब 125 ml का कप होता है, इसे छोटे वाले सारे मेजरमेंट्स लगेंगे। 1/3 कप, मतलब 80 ml के कप से मेजर करके मैदा लेना है। ऐसे पूरा दबा दबा कर मैदा लिया है, वेट से देखा जाए तो ये 50 ग्राम है। अब इसका नेक्स्ट, मतलब 1/4 कप से हम लेंगे कंडेंस मिल्क, इसका वेट है 80 ग्राम। ये देखिए, ये कंडेंस मिल्क का 200 ग्राम का जो डिब्बा होता है ना, ये अराउंड 60 रुपीज़ में आता है, और हमें इसके आधे से भी कम कंडेंस मिल्क लगेगा। ओके, अब ये 1/8 कप, मतलब 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसका वेट अराउंड 25-30 ग्राम है। रिफाइंड ऑयल ही लेना, कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल यूज ना करना। इन्हीं के साथ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बस यही है बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा केक में एक अच्छा सा ब्राइट कलर लाने के लिए मैंने ये येलो फूड कलर लिया है, और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस लेना। ठीक है, तो ये हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स, डिस्क्रिप्शन में भी रखे हैं मैंने, ताकि आप इसे इजीली फॉलो कर सको। बैटर बनाने से पहले पतीले को भी 10 मिनट लो फ्लेम पर प्रीहीट के लिए रख देना। और अब बैटर बनाने के लिए बाउल में डालेंगे तेल, साथ में ही कंडेंस मिल्क भी डाल देना। और अब इन्हें मिक्स करने के लिए या तो आप बीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसे हैंड मिक्सर से, तो 1 मिनट में ही बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे ये। साथ में ही मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया है। और अब ये देखिए, तेल और कंडेंस मिल्क को मिलाने के बाद कुछ ऐसे लगते हैं ये। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इन्हें छलनी से छान कर डालना। ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देना और अच्छे से छान लेना इन्हें।
चलिए अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मिलाते जाना, पूरा पानी एक साथ ना डालना। और हाँ, पानी हल्का सा गुनगुना यूज़ करना, ठीक है। गुलाब जामुन के साथ बना रहे हैं तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा येलो कलर अच्छा लगेगा। ये देखिए दोस्तों, फाइनल बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, रिबन कंसिस्टेंसी। अब इस ग्रीस किए हुए टिन में पहले सारा बैटर डाल देना और अब इस बैटर को ना हम पूरे टिन में इक्वल स्प्रेड करेंगे। इस तरीके से स्पैचुला के हेल्प से हर एक कोने कोने में बैटर को फैला देना पहले। फिर अच्छे से इसे टैप करना ताकि सारा बैटर एक लेवल में भी आ जाए और इसमें अगर कुछ बड़े बड़े एयर बबल्स है तो वो निकल जाए। यहाँ पर अपना पतीला भी अच्छे से प्रीहीट हुआ है तो इसमें इसे रखकर लो फ्लेम पर ढककर इसे हम बेक करेंगे। केक बहुत पतला है तो बेक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 7 से 8 मिनट के बाद आप इसे एक बार टूथपिक से चेक करना, फिर अंदाज़ा लेकर ज़रूरत के हिसाब से 2 से 4 मिनट आप इसे और बेक कर सकते हो। मेरे केक को बेक होने में एक्जैक्टली 12 मिनट्स लगे हैं और ये देखिए 12 मिनट्स के बाद केक बहुत ही बढ़िया से बेक हुआ है, तो तुरंत फ्लेम को बंद कर देना। इस केक को ना हमें बिल्कुल भी ओवर बेक नहीं करना है, ठीक है। अब साइड से इसे एक बार नाइफ से लूज करेंगे। हमें इस केक को गर्मा गर्म ही डिमोल्ड करना है, ठंडा होने का इंतजार नहीं करेंगे। ये देखिए निकल रहा है। ये नीचे मैंने एक बटर पेपर रखा है, इस पर इस टिन को पलट देना। अब उठाओ धीरे से तो आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से डिमोल्ड हुआ है, टिन में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। चलिए पहले हम धीरे से इस बटर पेपर को निकाल लेंगे। काफी गर्म है ये, तो इस पर और एक बटर पेपर रखकर फिर से इसे पलट देंगे। ये सारी चीजें हम गर्म केक पर ही कर रहे हैं, केक ठंडा हुआ ना तो रोल नहीं बन पाएगा। तो अब मूज को केक पर अप्लाई करने से पहले इसे हम क्या करेंगे ना, चम्मच से अच्छे से फेंट लेंगे, इससे ये स्मूथ और क्रीमी क्रीमी बनेगा। तो इस स्मूथ क्रीम को ना स्पंज के इस ऊपर की साइड पर लगा देंगे। इस केक में बहुत ज़्यादा क्रीम ना लगाना, ऐसी बस थोड़ी सी क्रीम लेकर स्पैचुला की हेल्प से केक पर फैला देंगे। और याद रखना, एक साइड में थोड़ी सी जगह छोड़नी है हमें, यहाँ पर क्रीम नहीं लगाएंगे। अच्छे से क्रीम लगाने के बाद इस पर ना हम एक लाइन में ऐसे होममेड गुलाब जामुन रख देंगे। और अब इस बिना क्रीम वाले साइड से उठाकर गुलाब जामुन के ऊपर इस तरीके से इसे रख देंगे। हाँ, और ध्यान रखना गुलाब जामुन अपनी जगह से हिले ना, इसलिए उंगलियों से इसे अंदर की तरफ प्रेस करते रहना। धीरे धीरे से इसे रोल करना है हमें और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। ये देखिए, पूरी तरीके से रोल करने के बाद एंड से जो थोड़ी सी क्रीम बाहर निकली है ना, इसे हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप क्या करना, इस पेपर को ऐसे एडजस्ट करके साइड के एक्स्ट्रा के बटर पेपर से रोल को दोनों साइड से क्लोज कर देना। अब कम से कम 2 घंटों के लिए इसे फ्रिज में सेट होने देंगे हम। और अच्छे से सेट होने के बाद ये देखिए, इस तरीके से पेपर को हटा देंगे। इस क्रीम को छुरी से निकाल देना या तो ऐसे एडजस्ट कर देना यहीं पर। वैसे भी ये साइड नीचे ही जाने वाली है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों साइड से मैं ऐसे ट्रिम करूँगी इसे ताकि अंदर का गुलाब जामुन अच्छे से दिखे। इसका टेक्सचर देख लेना, बहुत ही अच्छा बनता है ये। और थोड़ा सा काटेंगे तो कटा हुआ गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, दूसरे साइड से भी यही चीज़ करना। और अब इस केक को ना हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने ये 2D नोजल लिया है, इससे आप या तो बड़े बड़े स्टार बना सकते हो या तो ऐसे छोटे छोटे स्टार बनाना, बिल्कुल छोटे छोटे रोजेट बनाना तो भी बहुत बढ़िया लगेगा। या फिर ये देखिए, इस तरीके से कोन को घुमाते जाओ तो कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी है। ये डिज़ाइन ना ऐसे कुछ वर्टिकल रोजेट जैसे लगेगी, ऐसे भी ये अमेजिंग लग रहा है। या फिर आप इसे गुलाब जामुन के टुकड़ों से सजाओ ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने इसके बीच बीच में छोटे छोटे चेरी के टुकड़े भी लगाए हैं।
अब आपके हिसाब से आप इन्हें छोटे छोटे स्लाइसेस में काट कर सर्व कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कैसी लगी आपको ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।